प्रदा, महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कहा यही जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान का खेल अब भी चल रहा है। आने वाले वक्त में कब सरकार का गठन होगा, इस पर अब भी संशय बना हुआ है। जी आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने एक दांव चलने की कोशिश की है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना को समर्थन चाहिए तो वो पहल करे, अगर शिवसेना पेशकश करती है तो पार्टी हाईकमान के सामने इस पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चव्हाण ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया। हालांकि 50-50 पर बात चल रही है शिवसेना और बीजेपी के बीच, लेकिन अब तक सीएम को लेकर कोई भी एक राय नहीं बन पाई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करती आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, हाँ, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। जनता का जनादेश ये महायुति के साथ है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संयम के साथ आगे जा रही है। जैसे शिवसेना के सामने कई पर्याय है, वैसे ही कई पर्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी है। मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने तय किया है, हम शिवसेना को साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनादेश जो है, जनता का आशीर्वाद, ये